बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। मोहब्बत में भी सियासत है। जहानाबाद के सियासत में बहुत लोग नेता पैदा लिए। राधे के न नौमन घी होते न राधे नचते। ग्रामीण क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। निश्चित धनबल के लिए कहीं न कहीं उनका अनैतिक व्यापार चलता होगा। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है नौकरी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं। तेजस्वी जी बता रहे कि पद सृजन कहाँ किए। अशोक चौधरी आए और कह के चले गए कि यहाँ के भूमिहारों ने वोट नहीं दिया। उस मंच पर आप भी मौजूद थे। जिस भूमिहार जाति के विरोध में रहे उसी भूमिहार से आपको वोट भी मांगना होगा, उसी जाति के आधार पर आपको टिकट भी मिलेगा। फिर आप लोग भी गलत बात लगा रहे हैं कि भूमिहार जाति के विरोध थे, तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। कहाँ से चुनाव लड़ेंगे? जहाँ से नीतीश कुमार दे देंगे। प्राथमिकता के आधार पर तो हमारा घर पड़ता है घोसी में। हम घोसी के निवासी हैं। जिसको एक बार नेता मान ले तो बार बार हम नेता नहीं बदलते हैं। कभी तो शर्मा जी को भी नेता मान लिए थे। हम जनता दल के सिपाही हैं, हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, हम उनके आदर्श विचार और उनके कार्यशैली के समर्थक हैं। इसलिए हम किसी गुट किसी भी नेता के गुट में नहीं। पहले सियासत में भी मोहब्बत थी, अब मोहब्बत में भी सियासत है। और 2025 की सियासत की शुरुआत जो है जोरों पर है। चर्चा तेज है क्योंकि प्रशांत किशोर जो है चुनावी माहौल को पहले से बनाने में लगे हुए हैं, तो वहीं अन्य पार्टी जो है, अन्य गठबंधन जो है, वो भी तैयारियों में जुट गई है। हमारे साथ जेडीयू के वरिष्ठ नेता राजीव नयन उर्फ राजू सिंह हैं। इनकी भी चर्चा कई जगहों से चल रही है। राजू जी, सबसे पहले तो स्वागत है। और हम शुरुआत किए कि पहले जो है मतलब सियासत में भी मोहब्बत होता था, लेकिन अब मोहब्बत भी जो है वो सियासत पे टिकी हुई होती है। बदलते सियासत को आप किस रूप में देखते हैं? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जो इस बदलते सियासत है जहानाबाद की, तो जहानाबाद के सियासत में बहुत लोग नेता पैदा लिए। बहुत एमपी विधायक रहे। तो आज के दौर में जो हमारे नेता परम आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उन पर जो आस्था और विश्वास, जो उनके नीति और सिद्धांत जो उनका है, उस पर विश्वास करके जो आज चल रहे हैं, तो निश्चित तौर से उन पर भी नेता का विश्वास निश्चित तौर से रहेगा। प्रशांत किशोर आए हैं, कह रहे हैं कि बिहार में जो है सरकार बनेगी और जिस दिन सरकार बनेगी उसके एक घंटे बाद जो है शराबबंदी खत्म हो जाएगी। यह तो वो कहावत है कि राधे के न नौमन घी होते न राधे नचते। प्रशांत किशोर जी किसी भी परिस्थिति में बिहार के सियासत में नहीं आ सकते। प्रशांत किशोर जी की पार्टी और उनका कार्यक्रम, हम लोग भी देहाती क्षेत्र में रहते हैं, गांव में रहते हैं, शहर में कहीं टीवी पर या कभी यूट्यूब पर कोई बात चला देने से एक पूरी आईपैड की सियासत नहीं होती है। हम लोग ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, तो ग्रामीण क्षेत्र में प्रशांत किशोर जी के बारे में किसी प्रकार की चर्चा नहीं है। सबसे पहला बात। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी के पार्टी में वही लोग रहेंगे टिकटार्थी जिनको जदयू से टिकट नहीं मिलेगा, आरजेडी से टिकट नहीं मिलेगा, जो टिकट के लिए अभी ललायत है, नहीं मिलेगा। वो प्रशांत किशोर जी के पार्टी में चले जाएंगे और टिकट प्रशांत किशोर जी उनको देंगे। दूसरी बात है कि प्रशांत किशोर जी का दावा है कि चुनाव हम लड़ाएंगे, चुनाव हम जिताएंगे, पैसे की व्यवस्था हम करेंगे। तो ऐसा हम लोग नहीं देख रहे हैं कि प्रशांत किशोर जी के पास बहुत धनबल है पहले से। और यह भी देख रहे हैं कि जो बहुत बड़े बिहार के पूंजीपति लोग हैं, पूंजीपति घराना है, वह भी उनके साथ नहीं है कि बहुत ज्यादा उनको चंदा दे रहा है। दूसरी बात है कि ग्रामीण क्षेत्रों से भी हम लोग चुनाव देखे हैं,
गरीबी का चुनाव कि लोग देहात से 2 रुपया 1 रुपया चंदा, 2 किलो 1 किलो चावल तस्वीर के कैंडिडेट को दिया, कैंडिडेट चुनाव जीत गया, वो भी नहीं कर रहे हैं। तो निश्चित तौर से प्रशांत किशोर जी के पास अगर उतना धन बल है कि पूरे बिहार में सभी सीट पर चुनाव लड़के और सभी सीटों पर पैसे की व्यवस्था करके, उनका कहना है कि चुनाव हम लड़ाएंगे, पैसा की व्यवस्था हम करेंगे, जिताने के लिए हम कटिबद्ध हैं और विधानसभा पिछवाने के लिए भी कटिबद्ध है। जब इतना गारंटी देते हैं तो निश्चित धनबल के लिए कहीं ना कहीं उनका अनैतिक व्यापार चलता होगा, जिससे वो धन उगाही कर रहे हैं कि सभी कैंडिडेट को भरपूर पैसा देंगे, उसको जिताने का दावेदारी करते हैं। यह हम लोगों के समझ के परे है, अब उनकी सोच है। नहीं तो प्रशांत किशोर जी तो कहते हैं कि हम जो है जनता की बात कर रहे हैं, जनता के लिए बात कर रहे हैं, इसलिए जनता का सपोर्ट मिलेगा। हालांकि जब उनके पार्टी के नेता जो है वो करोड़पति अरबपति भी हैं, लोग जुड़ रहे हैं, अमीर लोग जुड़ रहे हैं, गरीब बात नहीं जुड़ बात है। वो कह रहे हैं कि से हम जनता की बात करते हैं, कौन ऐसा पार्टी है जो जनता की बात नहीं करती है? केवल प्रशांत किशोर कर रहे हैं जनता के विकास के लिए, युवाओं के विकास के लिए। कौन पार्टी है जो उसका नहीं करती है कि हम इसका विकास नहीं चाह रहे हैं, कि प्रशांत किशोर अलग से कोई एजेंडा लाके खड़ा कर दे रहे हैं कि जिसके चलते प्रशांत किशोर के तरफ पूरा जनता झूम जाएगा? ऐसा तो कोई अभी तक एजेंडा नहीं आया है सामने प्रशांत किशोर के, जिस एजेंडे के माध्यम से वो बिहार में सियासत पर कब्जा कर ले सकते हैं। नीतीश कुमार को लंबे अरसे से लोग देख रहे हैं, कभी बीमार बताया जाता है, कभी कहा जाता है कि तबीयत खराब हो गया है, कभी किसी गठबंधन में होते हैं। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव जो है नौकरी की बात कर रहे हैं, युवाओं की बात कर रहे हैं, कैसे आप लोग 2025 लड़ेंगे? देखिए, सबसे पहले तेजस्वी जी नौकरी की जो बात करते हैं तो नौकरी का सृजन करती है सरकार। तेजस्वी जी जब महागठबंधन में रहे माननीय नीतीश कुमार जी के साथ, तो उन्होंने पद का सृजन किया माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा। जिस समय भाजपा से गठबंधन था आपको एनडीए गठबंधन, उसी समय पद का सृजन हुआ था। और उस पद को सृजन करने के बाद जब महागठबंधन बनी तो उसमें तेजस्वी जी कहने लगे कि हम नौकरी दे रहे हैं। पद तो सृजन हुआ एनडीए के सरकार में, तो नौकरी तो दे रही है एनडीए सरकार, महागठबंधन की सरकार कहां नौकरी, पद सृजन कहां की? तेजस्वी जी बता रहे कि पद सृजन कहां किए, पद तो सृजन हुआ एनडीए के सरकार में। जब एनडीए के सरकार में पद सृजन हुआ तब नौकरी की बात हुई। अच्छा, विधानसभा चुनाव आने से पहले जो है चर्चा तेज हो गया कि नीतीश कुमार फिर से करवट मारेंगे, तेजस्वी और नीतीश एक साथ देखेंगे, चचा भतीजा एक साथ देखेंगे, ये सब इसमें कितना परेशानी होगा आप जैसे कार्यकर्ता को, नेता को? ये सबसे पहले तो संभव बातें नहीं है, इसलिए इस पर कुछ बयानबाजी करना गलत है, यह संभव है ही नहीं, यह संभव बात है, इसलिए इस पर हम कुछ नहीं कह सकते। जहानाबाद में लोकसभा चुनाव हो रहा था उस समय जो है भूमिहार खास करके जो जाति थे वो जाति के लोग जो है चंदेश्वर प्रसाद चंद्रवंशी का विरोध कर रहे थे, आप जो है गांव गांव में घूम रहे थे प्रचार कर रहे थे, अशोक चौधरी आए और कह के चले गए कि यहाँ के भूमिहारों ने वोट नहीं दिया, उस मंच पर आप भी मौजूद थे। आखिर इस जो कमी है, इस कमी को दूर करने के लिए अगले विधानसभा चुनाव में कैसे पूरा करेंगे? देखिए, हम लोग तो मान लीजिए कि लोकसभा चुनाव में हम जनता दल के एक सिपाही हैं और सिपाही होने के नाते हम प्रयास कर रहे थे, जनता का मत है वो अधिकार उसका है कि वोट दे कि न दे, हमारा काम है जनता दल के सिपाही रहने के नाते कि हम निश्चित तौर से उनको बताएं जनता दल के कार्यक्रम, आपके लिए जनता दल की सरकार एनडीए की सरकार बनी वो आपके लिए क्या किया इसके बारे में बताना, और मतदान करना तो जनता का काम है और जनता का जो आशीर्वाद मिला वो हम लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं। पटना के राजनीतिक गली में एक चर्चा है कि जो राजू सिंह पिछले बार दूसरे के लिए या फिर पहले के चुनाव में दूसरे के लिए वोट मांगते थे वो इस बार फिर से अपने लिए भी वोट मांगने जा सकते हैं, ये पटना की गलियों की बात है।
तो फिर इसको कैसे आप जो जिस भूमिहार जाति के विरोध में रहे उसी भूमिहार से आपको वोट भी मांगना होगा, उसी जाति के आधार पर आपको टिकट भी मिलेगा। फिर आप लोग गलत बात लगा रहे हैं कि भूमिहार जाति के विरोध थे या कोई नेता कोई भूमिहार जाति के विरोध में बोला है। अगर इसको मानते हैं आप तो जो लोग आप लोग को चला दिए गलत सनत की भूमिहार जाति के खिलाफ में अशोक चौधरी बयान दे रहे हैं उसको अगर पूरा उनका भाषण अगर सुनिएगा तो आप लोग तो कट के 2 मिनट 1 मिनट के चला दिए भूमिहार भूमिहार जो बोल रहे हैं तो लोग उसको पकड़ लिया। पूरा भाषण अगर सुनिएगा तो वो संगठन के बारे में बोल रहे थे। हाँ ये बात तो कहे कि भूमिहार के 4 बार 5 बार एमपी विधायक रहे हारे या जीते तो उस समय अति पिछड़ा दलित महादलित आपके साथ रहा तब आप चुनाव जीते या हारे। जो पहले हमारे भूमिहार समाज के एमपी रहे लोग उसमें हारे या जीते आप 5 बार में आपके साथ रहा तो उनका उन्होंने कहा कि अगर एक बार अति पिछड़ा के अगर सीट मिल गया तो हम आपको वोट देते हैं आपको भी हमको वोट देना चाहिए, कहने का अभिप्राय यही था। और दूसरा अभिप्राय था कि कोई आदमी कहेगा आप संगठन में एक प्राथमिक सदस्य हैं अगर तब तो ठीक है वहां तक चलेगा कि हम किसी को टिकट मिल जाए हम उसको मदद नहीं करें। खैर वो बीती बात हम मदद नहीं करेंगे, लेकिन आप संगठन में हैं और संगठन में रह के पदाधिकारी के पद पर हैं राज्य में और आप किसी कैंडिडेट के बारे में काम नहीं करते हैं संगठन का काम नहीं करते हैं तो ये तो आपका प्राथमिक दायित्व है कि अगर आप पदाधिकारी हैं जिला में हो प्रदेश में हो प्रखंड में हो कहीं आप अध्यक्ष हैं पदाधिकारी हैं कोई भी पद पर हैं तो आपका दायित्व बनता है कि जिस संगठन में हम काम कर रहे हैं उस संगठन को हम प्राथमिकता के आधार पर काम करें। इसलिए कि टिकट के पहले हर कोई महत्वाकांक्षी है, हर कोई चाह रहा है कि हम एमपी बन जाए विधायक बन जाए। जो राजनीति करता है सबकी इच्छा होती है कि हम एमपी विधायक बन जाए, लेकिन टिकट तो मिलेगा एक को। जब नेता ने निर्णय कर दिया कि फलवा फलवा जगह से चुनाव लड़ेगा उस समय सारी जो लड़ाइयां थी पहले टिकट के लिए, टिकट के पहले जो हम लोग 10 को मिलकर लड़ रहे हैं कि हम लड़ेंगे वो कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे तो 10 का लड़ाई जिस दिन टिकट की घोषणा हो गई उस दिन लड़ाई खत्म हो गया। इसलिए कि हम लोग संगठन में हैं और संगठन का मतलब होता है परिवार, तो अब तो हमको उसको भुला के उसको मदद करना चाहिए। तो यही कह रहे थे वो कि आप संगठन में हैं और जब चुनाव आता है तो आप हट जाते हैं आप मदद नहीं करते हैं तो आप फिर जब चुनाव हो जाता है तो आप फिर यह कह के कि हम संगठन में हम संगठन के पदाधिकारी हैं हमको फिर लाभ मिले तो ये नहीं चलेगा। यही बात कहे हैं, ये नहीं कहे कि हम भूमिहार को नहीं मिलेगा चाहे किसी अन्य जाति को फलना को नहीं मिलेगा। तो आम लोग तो यही पूछ रहे हैं कि आखिर जहानाबाद में भूमिहार चुनाव नहीं लड़ेंगे तो कहां लड़ेंगे, क्योंकि जिस हिसाब की आबादी है जनसंख्या है आखिर राजू सिंह जहानाबाद में नहीं लड़ेंगे तो कहां जाएंगे लड़ने के लिए। हाँ बात है, मांग जरूरी है, किसी चीज के लिए आप मांग भी नहीं कीजिएगा तो लोग आपके बारे में सोचेगा कहां से, इसलिए मांग तो जरूरी है। यह मैटर जरूरी है कि भूमिहार को यहां से टिकट मिलना चाहिए, भूमिहार लड़े जरूरी है, मांग तो जरूरी है, मांग में नहीं कीजिएगा तो मिलेगा कहां से, इसलिए मांगना तो जरूरी है। राजू सिंह को जो है जेडीयू के शीर्ष नेताओं से बातचीत हो रही है क्योंकि तो पटना के एक बड़े नेता का कहना था कि इस बार चर्चा जो है उस चर्चा में राजू सिंह का भी नाम शामिल है, उन्हें भी मौका मिल सकती है जेडीयू से। क्या आप किसी बड़े नेता के संपर्क में हैं? देखिए हम संगठन में काम कर रहे हैं और प्रदेश के पदाधिकारी हैं तो बहुत सारे नेताओं से संबंध है, माननीय नीतीश कुमार जी से संबंध है, हम जनता दल यू अगर ज्वाइन किए थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी के कहने पर, पहला बात। इसलिए संबंध जब जनता दल यू में है पार्टी के लिए काम कर रहे हैं से सबसे संबंध है, सबसे अच्छा संबंध है। अगर राजू सिंह से पूछा जाए कि आप कहां चुनाव लड़ना चाहते हैं या फिर आप कहां से तैयारी कर रहे हैं, ये सवाल हम कर रहे हैं आपसे कि आप तैयारी कहां से कर रहे हैं। देखिए जो चुनाव लड़ने का मामला है नेता पर है,
जो हमारे नेता हैं परम आदरणीय नीतीश कुमार जी, अगर वो लाइक करेंगे हमको टिकट देंगे तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। कोई भी आदमी जो पहले बताया कि हर आदमी की महत्वाकांक्षी होता है कि हम विधायक हो जाए, एमपी हो जाए, तो माननीय नेता अगर विश्वास करके हमको टिकट देंगे तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़ेंगे। कहां से चुनाव लड़ेंगे? जहां से नीतीश कुमार दे देंगे। आखिर कहीं ना कहीं तो तैयारी कर रहे होंगे। देखिए, प्राथमिकता के आधार पर तो हमारा घर पड़ता है घोसी में। हम घोसी के निवासी हैं, हमारा घर घोसी पड़ता है, तो हम तो प्राथमिकता के आधार पर चाहेंगे। लेकिन नेता पर भी है कि नेता जहां हमको आदेश करेंगे कि फलना जगह से आपको चुनाव लड़ना है, कहां से चुनाव लड़ेंगे? बदलते से एक चीज है, हम जनता दल के सिपाही हैं और हम किसी भी परिस्थिति में जनता दल के साथ रहेंगे। हम यह काम अपने जीवन में नहीं किया है कि जिसको एक बार नेता मान ले तो बार बार हम नेता नहीं बदलते हैं। यह हमारा अपना व्यक्तिगत अथि है। यह नहीं है कि आज आपको नेता मान ले, कल उनको नेता मान ले। कभी तो शर्मा जी को भी नेता मान लिए थे घोसी में। शर्मा जी के नेता मान लिए, इसलिए मान लिए कि वोटर थे उनका, वोट देते थे, चुनाव जीतते थे, इसलिए नेता मानते थे। चुनाव जीत जाते थे नेता मानते थे, विधायक थे हमारे हमारे क्षेत्र के, इसलिए हम नेता मानते थे। बदलते समीकरण में आज का जो स्थिति है, यहाँ पूरी तरह से महागठबंधन का कब्जा है। तीनों विधायक, सांसद, सारे के सारे जो पद है उस पर महागठबंधन का कब्जा है। ऐसे में आपको नहीं लगता है कि इस बार एनडीए गठबंधन में अगर आप लोग रहते हैं तो बहुत मुश्किल होगा, खास करके जहानाबाद में, मगध के क्षेत्र में? निश्चित तौर से आपको बताना चाहेंगे कि लोकसभा का जो चुनाव होता है उसका अलग अंदाज होता है और विधानसभा चुनाव के अलग अंदाज होता है। तो निश्चित तौर से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बिहार की जनता है वो माननीय नीतीश कुमार को अपना नेता मानती है और सबका पसंद में भी माननीय नीतीश कुमार है, इसलिए निश्चित तौर से जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें नीतीश कुमार की पार्टी जीतेगी और सरकार बनाएगी। निश्चित तौर से जहानाबाद अवर में एनडीए की घोसी, जहानाबाद, मखदुमपुर, तीनों सीट हम लोग निश्चित जीतेंगे। जहानाबाद में नीतीश कुमार की बात होगी या रोजगार की बात होगी? रोजगार के लिए तो रोज हमारे नेता घोषणा कर रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम 10,000 नौकरी की घोषणा किया, 12,000 नौकरी दिया, पुनः पद की सृजन हुआ है एक विभाग में। आप तो पत्रकार हैं तो आप देखते होंगे कि हर एक विभाग में जो नया पद सृजित किया गया है, हाल के कैबिनेट में डिसीजन हुआ है जिसमें नया पद सृजित किया गया है, तो निश्चित है कि जो नया पद सृजित हुआ है उसकी बहाली होगी, युवाओं को निश्चित तौर से रोजगार मिलेगा। एक सवाल, थोड़ा कड़क सवाल है, इसको जो है अपने दिल से जवाब भी दीजिएगा। जेडीयू पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है, कार्यकर्ता सम्मेलन होता है, मीटिंग होता है या फिर शीर्ष नेताओं में बातचीत होती है, सब में टकराहट है। राजू सिंह को किस गठबंधन, मतलब जो है साठ गांठ वाले लोग से संबंध है या फिर सब लोग को मतलब मैनेज करने में लगे हुए हैं? देखिए, क्योंकि एक दल में कई, सुनिए, आप जो कह रहे हैं उसका आशय ही है कि जनता दल में गुटबाजी है, ऐसी बात नहीं है। यह बात नहीं है, जनता दलों में कोई गुटबाजी नहीं है और हम लोग एक सक्रिय कार्यकर्ता हैं और जितने भी नेता हैं सबसे हम लोगों की संबंध है। हम किसी गुट और किसी के पक्ष के आदमी नहीं है, हम जनता दलों के सिपाही हैं, हम नीतीश कुमार के सिपाही हैं, हम उनके आदर्श विचार और उनके कार्यशैली के समर्थक हैं, इसलिए हम किसी गुट, किसी भी नेता के गुट में नहीं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। तो ये हमारे साथ राजीव नयन उर्फ राजू सिंह थे। इनका साफ कहना था कि जेडीयू जहानाबाद में चुनाव लड़ेगी और जहानाबाद में इस बार जीत भी दर्ज करेगी।
जेडीयू के जो गुटबाजी की बात है उसका खंडन करते हुए कहा कि जो कार्यकर्ता हैं वो किसी भी गुट में नहीं होते हैं, वो पार्टी के होते हैं और पार्टी के कार्यकर्ता रहते हैं। राजीव नयन राजू सिंह को अगर मौका मिला तो भोसी से चुनाव लड़ने का जो है काम करेंगे।